हेलो स्टारियन, हम जीओसी डिस्कस कर रहे थे और जीओसी के इस सीक्वेंस में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की चर्चा कर रहे थे। देखा गया था ऑर्गेनिक में मेनली जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनता है। अब ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्गेनिक में फ्रीक्वेंटली शिफ्ट हो जाते हैं, या तो पार्शियली या कंप्लीटली। इलेक्ट्रॉनों की इसी शिफ्टिंग को हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये टू टाइप्स के हो गए थे। जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का रूट काज विद इन द मॉलिक्यूल प्रेजेंट था तो उसको हम लोग परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट बोल रहे थे, और जब अटैकिंग रिएजेंट की वजह से ये इफेक्ट ऑपरेट हो रहे थे तो इसको टेम्प्रोरी इफेक्ट कह रहे थे। टेम्प्रोरी इफेक्ट एक्सटर्नल फैक्टर के हटा देने के बाद समाप्त हो जाते हैं, परमानेंट इफेक्ट हमेशा रहते हैं। परमानेंट इफेक्ट थ्री टाइप्स के हो गए थे, इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। इसी तरह से टेम्प्रोरी इफेक्ट टू टाइप्स के थे, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। पिछले वीडियो में मैंने इंडक्टिव इफेक्ट की चर्चा की। अब परमानेंट इफेक्ट का दूसरा पार्ट है रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट। आज के नॉलेज के हिसाब से देखा जाए अगर तो रेजोनेंस और मेजोमेरिक इफेक्ट में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट ये सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन इन जनरल अगर देखा जाए तो रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस क्या है, ये बॉन्डिंग का एक ड्रॉबैक है। हम कहते हैं व्हेन द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपाउंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय सिंगल लेविस डॉट स्ट्रक्चर एंड वी ड्रॉ सेवरल हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, दिस फॉर्म स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर कैनोनिकल फॉर्म and the phenomena is called resonance. None of the resonating structure can explain all the property of a compound. तो बात करें, when a molecule can be shown by two or more than two structure, then all structure are considered as imaginary structure, resonating structure, and the real structure is the hybrid of all resonating structure and called रेजोनेंस हाइब्रिड। तो आपको ध्यान में रखना है, किसी मॉलिक्यूल को जब हम एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर से शो करते हैं तो ये सारे इमेजिनरी स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाते हैं। इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करता, वो स्ट्रक्चर जो मैक्सिमम प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है उसको हम नाम देते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। जैसे यहाँ देखिए बेंजीन, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर केकुले ने प्रपोज किया था, सेरेंडिपिटी का एग्जाम्पल था। अब इसमें सबसे पहले ये माना गया कि हेक्सागोनल रिंग है, अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड है, फिर आइडेंटिकल बॉन्ड नेचर को प्रूफ करने के लिए बताया गया कि ये बॉन्ड जो है अल्टरनेट पे हैं, शिफ्ट होते रहते हैं, और रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया गया कि ये सर्कल के फॉर्म में हमने जो है शिफ्टिंग को दिखाते हुए बॉन्ड बनाया, तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। अब रेजोनेंस से जुड़े हुए कुछ की पॉइंट्स की चर्चा की जाए तो पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, रेजोनेंस हाइब्रिड इज ओनली रियल स्ट्रक्चर विथ लोएस्ट एनर्जी एंड हाईएस्ट स्टेबिलिटी। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो है ये केवल रियल स्ट्रक्चर होगा, ओनली रियल स्ट्रक्चर, और ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप जानते हैं इसकी एनर्जी क्या होगी, लोएस्ट होगी और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। सेकेंड पॉइंट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर आल्सो कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर कंट्रीब्यूटर्स। तो हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। थर्ड पॉइंट क्या याद आपको रखना है, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच कंट्रीब्यूट मोर टू द रेजोनेंस हाइब्रिड इज कॉल्ड मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर। तो थर्ड टर्म आपको याद रखना है, मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर, और मेजर कंट्रीब्यूटर जो होगा वो जितने भी कैनोनिकल फॉर्म होंगे उनमें लेस एनर्जी रखेगा। रेजोनेंस हाइब्रिड से जो है ज़्यादा होगी एनर्जी, लेकिन जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उनमें सबसे कम एनर्जी होगी मेजर कंट्रीब्यूटर की। द रेजोनेंस हाइब्रिड विथ मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, जिसमें ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। और आखिरी बात इसमें जो ध्यान में रखनी है, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट होंगे, एक जैसे होंगे, तो वो स्ट्रक्चर हाईली स्टेबल होगा, वहां स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी।
जैसे हम CH3COO- एसीटेट आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये फर्स्ट, इससे ये सेकेंड वाला बन जाएगा और इसका ये रेजोनेंस हाइब्रिड, तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है आपके आइडेंटिकल हैं और ऐसे में ये रेजोनेंस की इफेक्टिवनेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे रेजोनेंस के बारे में।